नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ तक में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा विंग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एग्ज़ाम संबंधी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उनको नियरेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने की जानकारी दी गई है। साथ में दोस्तों, उनका एग्ज़ाम कब से होगा उसी की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो विषय है डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज एवं अन्य पाठ्यक्रमों के जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो 6 जुलाई से प्रारंभ की जाएंगी। दोस्तों, एक देख सकते हैं जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 6 जुलाई से स्टार्ट होंगी, तो उनका एग्ज़ाम 6 जुलाई से होगा। साथ में दोस्तों, अभी केवल 4 वर्षीय डिप्लोमा हेतु 7वें 8वें सेमेस्टर एवं तृतीय वर्षीय डिप्लोमा हेतु 5 और 6 सेमेस्टर और द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा हेतु केवल तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जानी है। यानी दोस्तों, देख सकते हैं कि सबसे पहले परीक्षा 6 जुलाई से स्टार्ट होगी, और दोस्तों जो 4 वर्ष के डिप्लोमा कोर्सेस हैं उनकी केवल 7 व 8 सेमेस्टर की परीक्षा लेंगी। साथ में दोस्तों, 3 वर्षीय डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनके 5वें और 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट का लिया जाएगा। साथ में दोस्तों, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा के छात्र हैं उनका केवल तृतीय और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी, एवं जो बची हुई परीक्षाएँ हैं वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद और कोविड-19 का संक्रमण कम हो जाने के बाद जल्द उसके संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। यानी दोस्तों, उसकी भी टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, कोविड-19 के कारण जो परिस्थिति निर्मित हुई है और लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी अपनी जो मूल संस्था के जिले से, यानी जिस जिले में पढ़ाई करते हैं उससे अन्य किसी जिले में निवास कर रहे हैं, यानी जहाँ पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट वो अब अपने अपने घर चले गए हैं, तो ऐसे में उनको उस सेंटर पर पहुँचने में कठिनाई होगी। तो इसको सुविधा को देखते हुए विद्यार्थी अपने मूल संस्था के शहर से अन्य निवास रत हों तो विद्यालय के 69 शहरों, यानी दोस्तों 69 शहरों में इनके जो सेंटर्स बनाए गए हैं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में, वो स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करते हैं अगर वहाँ अगर हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात है, अगर वो नहीं है उस शहर में तो वो अपने घर के आसपास वाले जिले में, यानी अपने घर जहाँ उनका है उस जिले में भी केंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी दोस्तों, परीक्षा देने के लिए सेंटर का सिलेक्शन अपने से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको उनकी ऑफिशियल साइट पे एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ से इसको फिल करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली विद्यार्थियों को उनके लॉगिन आईडी पर परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पूर्व, यानी दोस्तों एक वीडियो हमने बना दिया है इसके रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो आप इन सभी ब्रांच के जो छात्र हैं उनको आप अपनी यूज़र आईडी को लॉगिन करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक सर्वे फॉर्म खुलेगा। उस सर्वे फॉर्म में आपको अगर दूसरे जगह से सेंटर सेलेक्ट करना है तो वहाँ से सेलेक्ट करना है का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अपनी यूज़र आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपको एक सर्वे फॉर्म खुलेगा। उस सर्वे फॉर्म में आपको जानकारी मिलेगी क्या आप अपने शैक्षणिक संस्थान में परीक्षा हेतु पहुँचने में समर्थ हैं, यानी पहुँच सकते हैं, तो अगर हाँ या ना, अगर हाँ पहुँच सकते हैं तो दोस्तों वहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका सेंटर वही रहेगा। अगर नहीं पे क्लिक करते हैं तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, एग्ज़ाम कहाँ देंगे, तो उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों, जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो विश्वविद्यालय के
के द्वारा आपका सेंटर चेंज कर दिया जाएगा और आपको नया सेंटर दे दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, आपका जैसे ही पहले अगर आवेदन होता है तो आपको उस कॉलेज में बनाई गई सीटों के अनुसार ही आपको सीट उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप 26 जून से पहले इस परीक्षा फॉर्म को फिलअप कर लें। साथ में दोस्तों, उसके बाद अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उससे पहले आप फॉर्म को फिलअप करें आपको प्रवेश पत्र जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। उसमें आप डाउनलोड करके अपना सेंटर कोड सेंटर को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र उसे मान करना होगा। यानी दोस्तों, जो परीक्षा केंद्र आपको आवंटित किया जाएगा उसी परीक्षा केंद्र पे आपको परीक्षा देना है। ये तत्काल से प्रारंभ कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी सुविधा के अनुसार इसको फिल कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।